ईद उल जुहा यानी बकरा ईद के मौके पर आज अम्बाला की जामा मस्जिद में नमाज अदा की गई। मस्जिद के इमाम मोहम्मद असगर ने हरियाणा पंजाब सहित बाढ़ पीड़ित इलाके केरला से आए मुस्लिम बंधुओं को ईद की बधाई दी और देश में भाईचारा बनाए रखने का संदेश दिया। इस मौके पर इनेलो व्यापार प्रकोष्ठ के जिला प्रधान ओंकार सिंह फरूखी ने अपने साथियों सहित ईद के मुबारक मौके पर मुस्लिम भाइयों से गले मिलकर उन्हें बकरीद की बधाई दी। ईद के मौके पर पत्रकारों से बात करते हुए मस्जिद के इमाम मोहम्मद असगर ने सभी को ईद की मुबारकबाद देते हुए देश में भाईचारा बनाए रखने का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि ईद का मतलब खुशी है। जैसे हमने खुशी के साथ ईद मनाई है, वैसे पूरी दुनिया के मुसलमान और अन्य भारतवासी लोग एक दूसरे को जाकर मुबारकबाद दें। इमाम ने कहा कि दुनिया में भाईचारे की खुशियां हमेशा रहें और जो लोग अशांति का माहौल पैदा करें, अल्लाह उन्हें भी सूझबूझ प्रदान करे। ईद का मुबारक मौका है। ईद के मायने खुशी के हैं। हम चाहते हैं कि जिस तरह से हमने खुशी के साथ में ईद मनाई है, पूरे दुनिया के मुसलमान, पूरी दुनिया के इंसान और ख़ास तौर से हमारे हिंदुस्तानी वासी, भारतीय वासी इसी तरह से ईद की मुबारकबाद एक दूसरे को जाकर दें। जिस तरह से यहाँ पर हमारे इंडियन नेशनल लोकदल के सदर जनाब ओंकार सिंह ने दी है और हमारे हरियाणा वक्फ बोर्ड के अकाउंट ऑफिसर जनाब मोहम्मद इसराइल साहब आकर वो सबको मुबारकबाद दे रहे हैं। हम चाहते हैं कि पूरी दुनिया के अंदर ये खुशियाँ हमेशा मनती रहें और अशांति का जो माहौल पैदा करे, अल्लाह उसको भी सूझबूझ अता फरमाए। किसी के लिए बुरा नहीं कहना चाहिए। इंसान है, इंसान से गलतियाँ होती हैं, कई दफ़ा जानकर हो जाती है, कई दफ़ा ज़्यादातर अनजाने में होती हैं, गलत फहमियाँ हो जाती हैं, उसकी वजह से गलतियाँ हो जाती हैं। तो इंशाल्लाह हमें उम्मीद है, हमने दुआ की है और पूरे हिंदुस्तान के अंदर, भारत के अंदर जगह जगह पर ईद की नमाज हुई है। इंशाल्लाह सब ने दुआएँ की हैं मुल्क की शांति के लिए, मुल्क के हिफाजत के लिए, मुल्क की रक्षा के लिए, मुल्क के अंदर प्यार मोहब्बत अमन शांति के लिए दुआ की है। ज़रूर इंशाल्लाह हमारी दुआ कबूल होगी और जितनी फ़िरका परस्त ताकतें हैं वो नाकाम हो जाएंगी, इसलिए कि अच्छे इंसान हमारे मुल्क के अंदर भी बहुत हैं। इनेलो व्यापार प्रकोष्ठ के जिला प्रधान ओंकार सिंह ने ईद के मुबारक मौके पर हिंदू और मुस्लिम सभी को बधाई देते हुए कहा कि दुनिया में सबसे बड़ा धर्म इंसानियत का है। जिस दिन इंसानियत खत्म हो गई, ये दुनिया भी उसी दिन खत्म हो जाएगी। ओंकार सिंह ने पत्रकारों से बात करते हुए सभी को देश में भाईचारा कायम करने की सलाह दी। और मैं ये कहना चाहूँगा कि आज देश में, आज प्रदेश में कुछ फिरका परस्त लोग, मात्र चंद लोग हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं, हिंदू सिख की बात करते हैं, सिख मुस्लिम की बात करते हैं। इन लोगों को ये समझना चाहिए कि हम सबसे पहले किसी भी धर्म मजहब से संबंध रखने से पहले हम इंसान हैं और दुनिया में सबसे बड़ा धर्म इंसानियत का है। अगर जिस दिन इंसानियत खत्म होगी, दुनिया उसी दिन खत्म हो जाएगी। और उन ये ताकतों को, उन फिरका परस्त ताकतों को ये ईद के मुबारक मौके पर उनको ये समझना चाहिए कि आज अगर हम इन बातों को छोड़कर भाईचारे को कायम करने के लिए लगेंगे, हमारा देश जो सोने की चिड़िया था वो आज भी दोबारा सोने की चिड़िया बनेगा। और मैं उन ताकतों से फिर एक बार अपील करूंगा कि ये देश अमन और शांति का देश है। ये हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन और पता नहीं कितने ही धर्म है, इन सब का देश है, एक व्यक्ति का देश नहीं है। और इसके लिए फिक्रा प्रस्तों को कोई काम नहीं करना चाहिए और हम सब भाइयों को मिलकर काम करना चाहिए। पत्रकारों से बात करते हुए वक्फ बोर्ड के लेखाधिकारी ने ईद की बधाई देते हुए कहा कि यहाँ जितने भी लोग इकट्ठा हुए हैं, उन्होंने मुल्क के भाईचारे, अमन, शांति और सुख की दुआएं की है। बता दें, आज पूरे देश में बकरीद मनाई जा रही है और इस मुबारक मौके पर मुस्लिम समुदाय के लोगों ने देश में भाईचारा कायम करने का संदेश दिया है। ये हम सबके लिए खुशी का मौका है और ईद का मतलब ही खुशी है। तो यहाँ जितने भी लोग इकट्ठे हुए हैं, सब ने मुल्क के में भाईचारा, अमन, शांति, सुख इसके लिए दुआएं की हैं। और हम चाहते हैं कि मुल्क में भाईचारा हो, अमन हो, शांति हो और ये छोटी मोटी जो छुटपुट घटनाएं हैं जो एक दूसरे को हमसे जुदा करने की कोशिश कर रहे हैं, ये ना हो। हमने अल्लाह ताला से यही दुआ की। हमने हिंद एक्सप्रेस के लिए अम्बाला से राजकुमार शर्मा की रिपोर्ट।